देखिए दोस्तों, इस वक्त मेरा आपके साथ ये वीडियो लेके आने का बहुत ही ज्यादा कह लो बड़ा मकसद है। 2-3 बार अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुए तो आपने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया कि आप ये समझने लग गए हो कि शायद यार मैं मतलब पता नहीं इस लाइफ से कब बाहर निकलूंगा, मेरे से ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यार मैं मतलब आपको क्लियरली बोलूं कि ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ भी क्यों रहा है। देखो बात सिर्फ क्या है, 4 पेपर या 8 पेपर अगर मेरे से 2-4 बार 5 बार मैं बोलूं ज्यादा टाइम भी नहीं क्लियर हुए तो इसमें देखो हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। एक भगवान का बनाया हुआ बंदा जो जिसको शायद हम ठीक वे से ट्रेंड करें तो वो कहीं का कहीं मतलब स्पेस में जाना, मून पर जाना, कहीं पर भी चला जाता है। यहां पर जो इंसान कुछ भी कर सकता है, ये 4 पेपर क्या क्लियर करने उसके लिए मुश्किल बात है ना। मतलब उस चीज को शायद हम इतने बड़े हैं साइज में और वो चीज इतनी छोटी सी है, हम जैसे मर्जी उसके ऊपर से निकल जाए, लेकिन उसने अपना इतना बड़ा मतलब हमारे आगे वो इशू क्रिएट कर दिया, हमारी लाइफ को पीछे धकेल दिया और हमने अपने आप को अब अंडर एस्टिमेट करके अपने ऊपर जो प्रेशर लेना शुरू कर लिया है कि पता नहीं यार मतलब इस बार भी होगा या नहीं होगा, मैं कब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मेरी तो लाइफ ही बेकार है। यार ये सवाल मैं आपको बोलूंगा, इन सबको साइड पे रख दो। आपके अंदर वो एनर्जी और ताकत है सिर्फ जो मुझे उम्मीद है, जो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, मतलब जो टाइम था जहां पर मैं कुछ ठीक डिसीजन ले सकता था वहां पर मेरे डिसीजंस कुछ खराब हो गए, मेरे को ठीक गाइडेंस नहीं मिली, मेरे को सही वे से नई चीजें बताई गई, ठीक है मैं पढ़ता था लेकिन मेरी सिचुएशंस कुछ ऐसी मतलब कुछ भी वजह थी और उस वजह से जस्ट वो आपके 4 या 8 पेपर नहीं क्लियर हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो लाइफ है आप उसको बिल्कुल ही डल बना दो, जीरो कर दो। आज भी आपके अंदर वही चार्ज है, वही सुपर पावर है। मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, ये वीडियो खत्म होने दो। आप वीडियो खत्म होने के बाद कोई ऐसा टाइम सोचो सीए स्टार्ट करने से पहले का, चाहे अपने बचपन का या कोई भी कॉलेज टाइम का, जब आपने कोई ऐसा दिन आया होगा जिस दिन आप सोच रहे होंगे कि यार वाह मैं कितना लकी हूं, या मैं कितना ज्यादा कह लो कि मतलब अपने आप को अपने सुपर मोटिवेटेड समझा होगा कि यार ऐसा अब मजा आ रहा है लाइफ जीने का। कोई दिन तो ऐसा होगा, कोई एक बार जरा आंखें बंद करके वो डे सोचना, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आपके पेपर चल रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक लोगे शॉर्ट ब्रेक लोगे उसमें ये चीज सोचना, तो उस दिन अगर आप इतने खुश थे तो आज आपके माइंड में इतनी डिस्टर्बेंस क्यों आई जस्ट ये 4 या 8 पेपर की वजह से? सवाल ही नहीं पैदा होता यार, ये तो फटाफट क्लियर हो जाएंगे। जस्ट आपको मतलब ये अपने ऊपर विश्वास रखना है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। जस्ट चीजों को थोड़ा सा बेटर वे के साथ, मतलब मैं आपको इतना भी बोलता हूं क्यों प्रेशर लिया हुआ है कि इस बार नहीं हो पाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार मेरी अभी लेटेस्ट सिचुएशंस ने मेरे को ऐसा चक्कर में धकेल दिया, मेरे से ये एग्जाम अच्छे से नहीं दिए जा रहे तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो मैं फिर से उसी चक्कर में फंस जाऊंगा, मैं कहता हूं कि ठीक है एक बार और सही, और क्या हो जाएगा, क्यों अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशर लेकर डिस्टर्ब करना है ना। अगर सिचुएशंस रही है ऐसी तो ठीक है, इसमें चाहे मैं साफ बोलूं, चाहे आप अपने आप को ये बोलो कि नहीं मेरी गलती की वजह से रही है या मेरी गलती नहीं थी किसी और वजह के जो भी है रीजन से रही है, तो कोई बात नहीं, गलती है या नहीं है सब कुछ छोड़ दो। अभी अगर आपको लग रहा है ये चीज कंट्रोल में नहीं है तो कोई बात नहीं, माइंड में ये समझ तो आ रही है ना कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, मतलब कुछ सिचुएशंस खराब रही है चाहे मेरी गलती की वजह से रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को समझ है ना मैं एक ऐसा इंसान हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक बार मेरे सामने चीज आए तो सही, मैं सब कुछ ठीक से एनालाइज कर लूंगा, मैं चीजों को खत्म कर दूंगा, ये 4 पेपर या 8 पेपर क्लियर करने क्या मेरे लिए मुश्किल बात है, है ना। तो इसलिए जस्ट मैं ये बोलूंगा माइंड पर कोई भी प्रेशर ना लो, अपने एग्जाम देखो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं जो कॉन्फिडेंस लेवल है, देखो आपकी आप जो भी एजुकेशन अचीव कर रहे हो वो क्या है, आप एक बुक्स में चीजों को पढ़ रहे हो,
अभी आपने लाइफ को आगे जाके बहुत कुछ उसमें सीखना है और वो पढ़ना है। जो रियल दुनिया है ना उसमें तो अभी बहुत कुछ आगे पढ़ा है। ये तो बुक्स में तो आप किसी को भी बिठा दो यार, ये चार चीजें पढ़ ले और ये चीजें बता दे, ये तो कोई भी कर लेगा। आपकी इंपॉर्टेंस तो अभी आगे जाके स्टार्ट होनी है। आप ये ना सोचो कि जो पहले निकल गया है वो लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस बन गई है, कुछ नहीं पता। आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह सेटल कर दो शायद हर बंदा आपकी तरफ देखे। मैं तो बोलूंगा, मतलब आज मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं, देखो एक सिंपल लैंग्वेज में कि आप शुरुआत कैसे करो। इस बार जो भी है आपकी सिचुएशन, अगर नहीं आपके कंट्रोल में है तो टेंशन ना लो, बस अपने माइंड में ये रख के चलो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। देखो ये ना सोचना कि मैं कोई यहां पर आपको बोल रहा हूं कि चलो इस बार छोड़ दो, जो हिम्मत दिखा सकते हो दिखाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है तो एक टारगेट सेट कर लो नेक्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर, आप जो सेट कर सकते हो। एटलीस्ट आपके घर में हर बंदा आपकी एग्जाम्पल दे, देखा यार इसने क्या करके दिखा दिया। मतलब कोई बंदा इससे उम्मीद नहीं रख सकता था या रख रहा था, लेकिन इसने वाकई यार कुछ ऐसा अचीव करके दिखाया, मजा आ गया। मतलब हर बंदा आपके घर पे आपकी एग्जाम्पल दे। उसके बाद जस्ट ये सोच लेना नेक्स्ट 6 मंथ में, अभी प्रीवियस 6 मंथ में मेरे घर में मेरी एग्जाम्पल दी जा रही थी, अब मेरे आस पास वाले भी मेरी एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके 1 साल बाद मेरे आसपास के आसपास वाले भी मेरी एग्जांपल दे रहे हैं, देखो इसने ऐसे करके दिखाया। देखो किसी टाइम पर ये सबसे पीछे रह रहा था और अब देखो इसकी किस्मत कैसी चमकी कि अब ये सबसे आगे जा रहा है। तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा, जस्ट 2-4 बार अगर नहीं क्लियर हुआ तो अपनी लाइफ को यार ये ना सोचो कि मतलब यार मैं मतलब किसी काम का नहीं हूं या मेरे से नहीं हो पा रहा तो शायद मैं ऐसी दुनिया में आ गया हूं। आपकी इंपॉर्टेंस आप समझ नहीं रहे हो, ठीक वैसे समझो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये माइंड में सही गाइडेंस, सही नॉलेज, मतलब हर चीज ठीक टाइम पर जाए ना। देखो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं फिर वीडियो को खत्म कर दूंगा। आपने भी पढ़ने में अगर 12 घंटे लगाए हैं, जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया उसने भी पढ़ने में शायद 10 घंटे लगाए हो। फर्क क्या था, जब वो 10 घंटे लगने थे उसने उसी वक्त वो 10 घंटे लगाए। आपका जो टाइम है 10 घंटे लगाने का या 12 घंटे लगाने का वो थोड़ा लेट हो गया, आपने किसी और टाइम पर जाकर वो 12 घंटे लगाए, आपने ज्यादा ही लगाए हैं लेकिन आपको उतना फ्रूट नहीं मिला। तो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार हम जिस टाइम पर लगाने चाहिए उसी पर लगा लेंगे। ये तो जस्ट यार एनालाइज करना है, काम की बारीकी तक जाना है। तो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, और टाइम नहीं लेता हूं, लेकिन मेरी बाकी जो भी मैं वीडियोस ऐसी लेकर आऊंगा ना, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी मैं लेकर आता हूं, हर बात को ध्यान से सुनोगे ना बहुत सारी आपके माइंड में ऐसी चीजें फिट होंगी, तो मतलब आपको अपने आप ही कह लो दौड़ते चले जाओगे और आपके एग्जाम क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए ऑल द बेस्ट बोलता हूं आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, लेकिन मेरी बात को माइंड में रख रहा, कहीं पर भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, जितना बेस्ट अभी परफॉर्म कर सकते हो करो, बाकी नेक्स्ट टाइम तो हमारे हाथ में ही, हम करके ही दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हाँ जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लेना, कोई वीडियो मिस ना किया करो यार। चलो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।